गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूथरीच ई लर्निंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्टिकल्स पार्ट टू समझाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल पार्ट वन आपको पढ़ाया था और उसका वीडियो भी बना के आपको भेजा था, तो आज हम आपको आर्टिकल पार्ट टू पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल पार्ट टू आपको समझाएं, थोड़ा सा आर्टिकल पार्ट वन के बारे में रिवाइज कर देते हैं। तो बच्चों, हमने आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया था कि ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं और ए कहां पर प्रयोग होता है, एन कहां पर प्रयोग होता है और द कहां पर प्रयोग होता है। तो बच्चों, हमने आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं और वावल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। वावल आए या वावल की आवाज आए वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, और दा का प्रयोग हम विशेष वस्तुओं के साथ, पद और पदवी के साथ और बड़े बड़े भवनों के नामों के साथ और दिशाओं के नामों के साथ, नदियों के नामों के साथ और पवित्र ग्रंथों के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ाया। तो आज हम आपको आर्टिकल पार्ट टू में यह समझाने जा रहे हैं कि आर्टिकल कहां पर लगता है और कहां पर नहीं लगता, यदि नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता और लगता है तो क्यों लगता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक आर्टिकल कहां कहां पर लगाना है और कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ आर्टिकल नहीं लगता, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहां पर बहुवचन संज्ञा है बर्ड्स, इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। अच्छा जी, देखिए बच्चों, सेकंड, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, यदि ये विशेष हो तो आर्टिकल दा लगता है। किस प्रकार से, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं अपना नाश्ता सुबह 7 बजे लेता हूं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए ब्रेकफास्ट आया और ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन यहां देखिए, यहां भी ब्रेकफास्ट है और यहां पर हम आर्टिकल दा लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण देखिए, द ब्रेकफास्ट गिवन बाय राम इज वेरी डेलिशियस, राम द्वारा दिया गया नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था, यानी कि राम द्वारा दिया गया नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। तो जाहिर सी बात है कि भाई उसने किसी पार्टी में दिया है या कोई फंक्शन किया है तो उसने खिलाया है, तो ऐसी कंडीशंस में हम दा का प्रयोग करेंगे। जब हमें कोई पार्टी में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करवाए तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे, और यदि हम अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट अपने घर पर ही करें रोज की तरह तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगता। जैसे देखिए, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो यहां ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगा। द ब्रेकफास्ट गिवन बाई राम इज वेरी डिलीशियस, यहां पर ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल ना लगाया क्योंकि यह ब्रेकफास्ट विशेष हो गया। आर यू अटेंडिंग द डिनर टू नाइट, क्या आज आप डिनर पर रात्रि में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये तो कोई विशेष डिनर है, तो वहां पर हमने डिनर के साथ भी दा लगाया। और सिंपल सेंटेंस की बात करें तो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगता। खेलों के नाम, बीमारी के नाम के साथ नो आर्टिकल, यानी खेलों के नामों के साथ और बीमारी के नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगता। कैसे, आइए जानते हैं एग्जांपल।
Ram is suffering from cancer. Ram is suffering from cancer. तो यहां कैंसर बीमारी का नाम है इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा. आई प्ले क्रिकेट. तो क्रिकेट खेल का नाम है इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा. और बच्चों ऑनेस्टी सोसाइटी प्लेजर के साथ नो आर्टिकल, यानी के ऑनेस्टी सोसाइटी प्लेजर के साथ आर्टिकल नहीं लगता. और मैन और वोमेन इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता. देखिए एग्जांपल, मैन इज मॉर्टल. तो यहां पर भी आर्टिकल मैन आया इसलिए आर्टिकल नहीं लगा. वोमेन आता तो भी आर्टिकल नहीं लगता. और यहां देखिए, मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहां पर भी आर्टिकल नहीं लगा. तो हमने आपको बताया कि भाई मैन वोमेन ऑनेस्टी सोसाइटी और प्लेजर इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता. और देखिए बच्चों, स्कूल कॉलेज टेंपल प्रिजन के साथ नो आर्टिकल, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता. स्कूल कॉलेज टेंपल प्रिजन इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता. यदि हम इनमें होने वाले कामों के लिए जाएं तो आर्टिकल नहीं लगता. यदि इनके अतिरिक्त इन जगहों पर हम किसी और काम के लिए जाएं तो आर्टिकल दा लगता है. कैसे? यदि स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, मंदिर में पूजा करने जाए तो आर्टिकल नहीं लगेगा, प्रिजन जेल में हमने कोई अपराध किया हम जेल में गए हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा. यदि हम स्कूल कॉलेज टेंपल और प्रिजन इनमें हम किसी व्यक्ति से मिलने जाए तो आर्टिकल दा लगता है. एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है बच्चों, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी. मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं तो आर्टिकल नहीं लगा. और अगला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट मंडे आई वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल. लास्ट मंडे I went to the school to meet the principal. अब यहां पर बच्चों स्कूल के साथ आर्टिकल नहीं लगा और यहां पर स्कूल के साथ हम आर्टिकल दा लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं. तो हमने आपको बताया कि भाई स्कूल कॉलेज टेंपल प्रिजन यदि हम इनमें होने वाले कामों के लिए जाए तो आर्टिकल नहीं लगता, यदि इनके अतिरिक्त हम किसी अन्य काम के लिए जाए तो आर्टिकल दा लगता है. इसी प्रकार से बच्चों, धातु और द्रव के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता. यदि ये विशेष हो तो आर्टिकल
दा लगता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बच्चों, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि गोल्ड एक धातु है, गोल्ड सिल्वर और भी धातु हो सकती हैं, लोहा तांबा अभ्रक, तो धातु के साथ आर्टिकल नहीं लगता। यदि इनकी विशेषता को बताए तो आर्टिकल दा लगता है। जैसे देखिए यहां पर द गोल्ड इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका इज सुपर्ब, सुपर्ब इन क्वालिटी, इन क्वालिटी, द गोल्ड इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका इज सुपर्ब इन क्वालिटी, कि वो सोना जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है क्वालिटी में अच्छा होता है, तो यह उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द आया। और यहां पर गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, गोल्ड एक बहुमूल्य वस्तु है, तो ये इसकी विशेषता को प्रकट नहीं कर रहा था, इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगा। और यहां पर द गोल्ड इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका इन सुपर्ब इन क्वालिटी, यह उनकी क्वालिटी की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि भी क्वालिटी में अच्छा होता है, गोल्ड की विशेषता है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, वी ऑल नीड, वी ऑल नीड वाटर टू लाइव, जीवित रहने के लिए हम सबको पानी की आवश्यकता है। तो यहां पर वाटर है, ये द्रव है, और द्रव के साथ हमने आपको बताया आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगा। और देखिए द वाटर इन दिस जग इज नॉट एबल टू ड्रिंक, तो यहां पर आर्टिकल दा लगा, द वाटर इन दिस जग इज नॉट एबल टू ड्रिंक, इस जग का पानी पीने योग्य नहीं है, यह उसकी विशेषता को बता रहा है कि भाई इस जग में जो पानी है वो पीने के लिए अच्छा नहीं है, या इस जग में जो पानी है वो पीने में बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, तो उस कंडीशन में हम वाटर के साथ या द्रव के साथ दा लगाएंगे। लेकिन अगर द्रव की कोई विशेषता को ना बताए तो वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आज हमने बच्चों आर्टिकल पार्ट टू आपको समझाया, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव है तो वो आप हमें रख सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे। धन्यवाद।